मेंस आपने फर्स्ट लिखा, जो आपने दो बार आपके प्री नहीं निकला है, उसका क्या रीजन रहा है? जो बड़ा रीजन था वो ये था कि बेसिक्स, आपके बेसिक्स आप उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बैकग्राउंड है, मैं मैथ्स ऑनर्स हूँ, मेरा मैथ्स से ग्रेजुएशन है 3 साल, तो मेरे को हालत खराब होगी मेरी इस बार सी सेट में मैथ्स के क्वेश्चंस करने में, बिकॉज प्रैक्टिस नहीं थी, तो इसलिए ये दिक्कत है। तो उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन, ये पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के। अगर प्री के लिए आप पढ़ रहे हैं तो देखिए पीछे 5-6 साल क्या पूछ रहे हैं, अगर आप मेंस के लिए कर रहे हो तो वो पूछ देखिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं, क्या डिमांड है क्वेश्चंस की, तो ये प्रिपेयर करना। क्या नाम आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम मेरा नाम ऋषेंद्र सिंह है, मैं उन्नाव डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से हूँ। आपका ये कौन सा टाइम है, कौन सा इंटरव्यू? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है और फर्स्ट इंटरव्यू फर्स्ट मेंस था। फर्स्ट मेंस लिखा। अगर बात कीजिए आपका ऑप्शनल मीडियम की तो क्या रहा है? ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी और मीडियम इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम, ओके। इंटरव्यू कैसा रहा आपका? बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुरुआत में तो इट्स लाइक गूज़बम्प्स, अच्छा अच्छा लगता है कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बट अंदर जाके इतना उन्होंने इजीली काम कर दिया हम लोगों को, कुछ कहने को नहीं, तो बहुत कॉर्डियल बोलता, इजीली उन्होंने बात की, अपनी बात पूरी रखने दी उन्होंने, तो ये अच्छा था। अभी अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी अच्छा है, तो उससे पता चलता है कि सर कितना अच्छा इंटरव्यू देके आए हैं। थैंक यू सो मच। और आपके क्वेश्चन ज्यादा क्या पूछे ना, फैक्चुअली क्वेश्चन से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी। मेरे पहले तो उन्होंने सर्कुलर इकोनॉमी वगैरह, मतलब आउट ऑफ द ब्लू पूछा कि जो भी उनके दिमाग में आया वैसे, फिर वहां से कॉन्वर्सेशन बिल्ड हुई, सर्कुलर इकोनॉमी से गया रीयूज रिड्यूस रिसाइकल पे, फिर वहां से फिर मेरे डैफ पे भी आए वो, तो मिक्स था, काफी चीजों का मिक्स था। करंट अफेयर कुछ रहा था? करंट से ज्यादा नहीं था। डैफ से क्या क्वेश्चन था? लाइक डैफ से जैसे मेरा फुटबॉल के बारे में काफी क्वेश्चंस पूछे, फिर एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोटोटाइप करके है उससे पूछा, स्पोर्ट्स से काफी कुछ क्वेश्चंस थे, फिर डिस्ट्रिक्ट पूछा कि जहां से मैं बिलोंग करता हूं उन्नाव, डीयू के बारे में पूछा, रामजस के बारे में पूछा, तो ये काफी चीजें थी जो पूछी। आपसे कुछ आपके ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछे गए? नहीं, ऑप्शनल से मेरे कोई क्वेश्चन नहीं था, ये थोड़ा सा क्वेश्चनिंग था, लेकिन ऑप्शनल से कोई क्वेश्चन नहीं। आपने मॉक्स कितने दिए होंगे? मॉक्स मैंने दिए हैं, अच्छे खासे मॉक्स दिए हैं, नंबर्स में नहीं बता सकता लेकिन 10-11 से ज्यादा ही है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सर लेके आया मॉक का। हां तभी। अच्छा, मॉक में आपने इंटरव्यू जब दिया तो आपने कुछ कमी बताई गई थी कि ये कमी आप इसको ठीक कीजिए थोड़ा इंप्रूव के लिए? कमी तो उन्होंने अच्छी बताई, जैसे मेरी जो स्पीच थी वो काफी तेज थी, मैं बोलता था काफी तेज बोलता था इंग्लिश स्पीड, हाँ, तो उन्होंने सबसे पहली चीज मेरी ये सही की कि जो इंग्लिश बोलते हो उसको थोड़ा स्लो करो, तो स्पीड एक लिए एक टोन भी उन्होंने बोला कि मॉड्यूलेट करके बोलो, जैसे मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ ऊपर नीचे करके बोलो, मतलब थोड़ी चीजें इंपॉर्टेंट थी जो उन्होंने बताई, लेवल बना के बोल रहे हैं। जी लेवल, जैसे आवाज ऐसी बोलो कि आपको इंटरेस्ट आया था सुनने में, तो वो काफी चीजें उन्होंने इंटरेस्टिंग बताई, तो ये सब चीजें था। ठीक है सर, एक बात बताइए, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं क्या वो हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं, हिंदी में बात कर सकते हैं, वो कंफर्टेबल इंग्लिश में ना हो तो? ऐसा कुछ यार उन्होंने एक दो वर्ड्स बीच में हिंदी में बोले, बट मेरे को नहीं लगता कि वो मीडियम पूरा आप चेंज कर पाओगे वहाँ पर, तो जो मीडियम आपका शुरुआत में है आप उसी में ही बेटर है कि उसी में इंटरव्यू दो आप, तो जब मेंस का फॉर्म भरते हो प्री का भरते हो तो उसमें ही अच्छे से फिल करो। अच्छा, मान लीजिए अगर आप हिंदी मीडियम के और इंग्लिश में इंटरव्यू, अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं तो हम कैसे उनको हैंडल कर सकते हैं कि सर नहीं प्लीज आप इंग्लिश हिंदी में? अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप अगर हिंदी में वो चीज आपको अच्छी से आती है तो आप हिंदी में बोल दो कि सर कैन आई स्पीक इन हिंदी इन दिस पर्टिकुलर थिंग, तो आप उनको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसको पता है बंदे को और वो हिंदी में बोल सकता है, तो वो अलाउ कर देंगे, ऐसा नहीं है, काफी कॉर्डियल रहता है। मतलब माहौल काफी कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल, ऐसा आपको लगेगा नहीं इंटरव्यू दे रहे हो आप। आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या था जब आप एंटर किए? मेरा फर्स्ट, पहले तो अपना एकेडमिक बैकग्राउंड और एजुकेशनल बैकग्राउंड बताओ, जो उनका 24 का नॉर्मल रहता है कि वो यही पूछते हैं सबसे। फिर उसके बाद मैंने बोला आउट ऑफ द ब्लू उन्होंने पूछा सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, सोच रहे थे 2 सेकंड ऐसे ऐसे, फिर और सर्कल इकोनॉमी क्या होती है, तो सर वहाँ से कन्वर्सेशन बिल्ड हुआ। मैम 24 सर का बोर्ड पाने के लिए कई सारे स्टूडेंट तरसते हैं, सर को मिला है तो बहुत लकी है, आई होप इनका हो जाए इस बार। थैंक यू सो मच। प्री के, बिल्कुल प्री के लिए क्या कहेंगे? प्री के लिए जैसे आपने बताया कि मेंस आपने फर्स्ट लिखा, जो आपने दो बार आपके प्री नहीं निकला है, उसका क्या रीजन रहा है? जो बड़ा रीजन था वो ये था कि बेसिक्स, आपके बेसिक्स आप उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जो आपका ज्योग्राफी है हिस्ट्री है इकोनॉमी है मॉडर्न हिस्ट्री है इसको आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो इस पे आप थोड़ा ध्यान दें। अगर आपका ये बेसिक क्लियर है तो वो आप चाहे जितना वैरी कर लें वो प्री में, जो बेसिक चीज है वो जरूर आएंगे, तो बेसिक क्लियर रखना। सी सेट के बारे में क्या कहेंगे? सी सेट टफ होता जा रहा है। मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं मैथ्स ऑनर्स हूँ, मेरा मैथ्स से ग्रेजुएशन है 3 साल, तो मेरे को हालत खराब होगी मेरी इस बार सी सेट में मैथ्स के क्वेश्चंस करने में, बिकॉज प्रैक्टिस नहीं थी, तो इसलिए ये दिक्कत है, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सर आप मैथ बैकग्राउंड से उसके बाद भी सी सेट में हालत खराब है, वो उनका सोचिए जो मैथ बैकग्राउंड से थे ही नहीं, क्या हाल हुआ होगा? बहुत दिक्कत है, तो टफ क्वेश्चन है इस बार, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रिपेयर करने की जरूरत है इसमें। अच्छा, सी सेट के लिए स्पेशली कुछ बुक्स बताइए या कुछ स्पेशल ट्रिक आपकी जो होती हो जो बहुत बेस्ट तरीके से सोल्यूशन हो सके?
यार मैंने कोई स्पेशल बुक तो नहीं यूज़ की, क्योंकि मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि मैथ्स बैकग्राउंड है कर लूँगा, तो इस वजह से उसके लिए मैं थोड़ा सजेस्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने खुद नहीं यूज़ की ना इस वजह से। अगर की जीएस की बात की जाए तो क्या आप बुक्स करेंगे पे? एनसीईआरटी आप चांट डालिए रट डालिए जो भी करने करिए, एनसीईआरटी बेस है, अगर वो अच्छे से नहीं करोगे तो आप प्री भी नहीं क्लियर कर पाओगे, एज सिंपल इज दैट। तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, टेस्ट अच्छे से दो और टेस्ट को रिवाइज करो अच्छे से, प्रैक्टिस बनाओ, तब अच्छा होगा। मेंस की अगर बात करें तो मेंस में जो आंसर राइटिंग क्वेश्चन करता है तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट, जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मेंस का देखा जाए तो मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने निकाल दिया मेंस, तो आपने मेंस की किस तरीके से तैयारी की? देखिए 2 साल का मेरा गैप हो गया था तो इस वजह से मेरी मेंस की प्रिपरेशन जो थी वो बेटर थी। सेकेंडली आंसर राइटिंग इज मस्ट, उसको आप नहीं इग्नोर कर सकते, तो आंसर राइटिंग आप अच्छे से करो और जितना हो सके आंसर राइटिंग करो, जितना हो सके, ज्यादा स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दैट इज द गेम चेंजर नो, उसके अलावा और कुछ नहीं है उसमें। तो आप आंसर राइटिंग अच्छे से करो, भर भर के आंसर राइटिंग करो। सेकेंडली सिलेबस, स्टिक टू द सिलेबस नो, दैट इज साइन अप ऑन, उसको आप नहीं चेंज कर सकते, तो सिलेबस को आप अपना सामने रखिए, उस हिसाब से प्रिपेयर करिए और बाकी बेसिक मटेरियल्स तो ऑनलाइन ही अवेलेबल हैं, तो मटेरियल वही रहेगा। फिर जो मैटर करता है वो वैल्यू एडिशन मैटर करता है, जो आप जितना वैल्यू ऐड करते रहोगे उसमें, न्यूज़पेपर से आ गया, मैगजीन से आ गया, तो ये सब आप अच्छे से ऐड करिए, इसके नोट्स बनाइए और इसको यूज़ करिए आंसर राइटिंग में। अगर आप जैसे मेंस में जो आप बोल रहे हैं आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा लिखे, तो आंसर लिखने का तरीका, बेस्ट तरीका क्या है जब कोई पढ़े ना लगे हाँ आंसर बहुत बेस्ट लिखा है? देखिए बेस्ट मेरे हिसाब से तो बेस्ट हुआ है जो वैरायटी हो आंसर में, आंसर में उसको मैप दिखना चाहिए, आंसर में उसको फ्लो चार्ट दिखने चाहिए, पॉइंट्स दिखने चाहिए, सबसे पहली चीज़ नीट एंड क्लीन हो, उसमें कोई कटिंग ना हो ज़्यादा, तो ये पहली लुक इम्प्रेशन ऐसे पड़ता है। अगर किसी की कॉपी ऐसी है जिसने दबा दबा के लिखा हुआ, तो इंटरेस्ट पहले ही चला गया ना, तो जितना उसके एडिशनल चीज करो आंसर राइटिंग के लिए, तो वो मैटर करता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, ठीक है, उस अटेम्प्ट करने में क्या तरीका लिखने का है, मतलब क्या वो ऐड करना चाहिए उसमें स्पेशली जो काफी अट्रैक्टिव लगे? देखिए जो पूछा है वो लिखिए, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, अगर उन्होंने पूछा है व्हाई, तो व्हाई का आंसर दीजिए, हाउ और व्हेन वेयर इज, ये सब मत दीजिए, जो उन्होंने दिया है वो स्टिक टू द पॉइंट रहिए और उसमें जितना हो सके आप एडिशन करिए, वैल्यू ऐड करिए। तो ये है इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन जो चलता आ रहा है वो तो रहेगा ही, बॉडी में अच्छे से फोकस करिए, ऐड ऑन करिए, वही है। अच्छा ये बताइएगा सर आपको कि आपने मॉक दिए होंगे मेंस के भी और प्री के भी, मॉक दोनों का लेवल रियल एग्जाम जब दिया तो दोनों का क्वेश्चन पूछने का तरीका और क्या सेम लगा आपको? देखिए प्री का तो डिफरेंस रहता है, प्री का तो डिफरेंस रहता है कि प्री का जो मॉक दोगे और जो प्री जो मेन होगा एग्जाम होगा, तो उसमें रियल एग्जाम में थोड़ा सा अलग रहता है, वैरायटी रहती है। बट मेंस आप कर सकते हो, मेंस आप जितने मॉक दोगे, जितने आंसर राइटिंग करोगे, जितने एक्सपीरियंस लोगे गेम टाइम सिचुएशन का, तो वो मैटर करता है। अगर मेंस की थोड़ी बुक लिस्ट की बात करें, लाइक पॉलिटी के लिए बेस्ट क्या है, हिस्ट्री के लिए बेस्ट क्या है, तो बेसिकली थोड़ा सा बुक लिस्ट बता सकते हैं आपके अकॉर्डिंग जो बेस्ट बुक्स हैं? देखिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी और सोसाइटी जो GS1 का सिलेबस है, पूरा प्री का सिलेबस है, थोड़ा सा ऐड ऑन करना पड़ेगा सोसाइटी के लिए आपको। मैंने सोसाइटी के लिए क्या किया कि ऑनलाइन सर्च किया, गूगल किया, कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, जो भी उनके टॉपिक्स दिए हुए हैं वो आप गूगल करिए, और जो बेसिक बुक्स हैं प्री की वो GS1 के लिए करिए। GS2 के लिए आप गवर्नेंस का सेक्शन अच्छे से कर सकते हो, किसी के भी नोट्स ले लो, इतनी सारी कोचिंग्स हैं, कोई भी नोट्स एक उठा लो और वो कर लो, प्लस इन सब में न्यूज़पेपर एडिशंस कर लो। फिर सबसे डायनेमिक जो मैं बोलूँगा वो GS3 है, क्योंकि चेंज रहता है, उसमें एग्रीकल्चर है, साइंस एंड टेक है, ये सब है, तो ये सब अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आपको करंट अफेयर और जो बेसिक बुक्स हैं उसकी, जैसे नोट्स हो गए कोचिंग से, तो इनको आप अच्छे से रेफर कर सकते हो। जी और ऑप्शनल के लिए क्या? ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी था, तो जो बेसिक बुक्स हैं वही मैंने फॉलो की, प्लस मेरे को लगा जो मतलब वैल्यू ऐड करता है वो है वैल्यू एडिशन आपका, न्यूज़पेपर हो गया और ये सब हो गया, तो इससे जितना हो सके वो करिए। करंट अफेयर के लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या लगते हैं? करंट अफेयर मेरा तो न्यूज़पेपर था भाई, न्यूज़पेपर नहीं छोड़ सकते आप, सब कुछ रहता है न्यूज़पेपर में, तो वो आप करें अच्छे से तो वो बेटर रहेगा। स्टूडेंट को कैसे पता लगे वो न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है क्या नहीं क्या छोड़ना है? ये पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के। अगर प्री के लिए आप पढ़ रहे हैं तो देखिए पीछे 5-6 साल क्या पूछ रहे हैं, अगर आप मेंस के लिए कर रहे हो तो वो पूछ देखिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं, क्या डिमांड है क्वेश्चंस की, तो ये प्रिपेयर करने की जरूरत है आपको। आपको यूपीएससी करना है, ये आपको कब आया माइंड में कि मुझे यूपीएससी करना है? ये तो मैंने जब ग्रेजुएशन किया कंप्लीट हुआ, कोविड आया 2021 मेरा ग्रेजुएशन, 20 मेरा ग्रेजुएशन है, तो उस साल मैंने सोचा कि अब इसको करते हैं। अच्छा। था पहले से दिमाग में कि कर सकते हैं बट श्योर नहीं था, बट 2020 के बाद मैंने फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन की और इस वजह से हुआ। बिगिनर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहें? बिगिनर्स के लिए भैया हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको, हार्ड वर्क और डेडिकेशन, थोड़ा सा सोशल मीडिया और इन सब से दूर रहना पड़ेगा, ये सब थोड़ा सा सैक्रिफाइस मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा टर्म है, लेकिन अपने लिए अगर आपको कुछ करना है तो थोड़ा सा आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, इंटेंट दिखाना पड़ेगा आपको। थैंक यू सर।